एलन संचार में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। एलन से जुड़ी तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अब शिक्षा की काशी कोटा में स्टूडेंट्स होंगे अधिक सुरक्षित। सिटी SP डॉक्टर अमृता दुहन ने सेफ्टी ऑफ स्टूडेंट्स ऐप किया लॉन्च। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एलन स्टूडेंट से संवाद कर किया मोटिवेट। कहा, कभी निराश ना हो, हर पल नया जीवन है। एलन इंदौर की ओर से स्टूडेंट्स के लिए 5 दिवसीय एडुफन यात्रा का आयोजन। स्टूडेंट्स मौज मस्ती के साथ गौरवमयी इतिहास से हुए रूबरू। एलन PNCF बीकानेर स्टूडेंट्स ने किया सिविल एयरपोर्ट बीकानेर का दौरा। हवाई अड्डे की सुविधाओं और बुनियादी चीजों से हुए रूबरू। और अब खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। कोटा में कोचिंग कर रहे स्टूडेंट्स की केयरिंग में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए कोटा पुलिस ने नवाचार किया है। सिटी SP डॉक्टर अमृता दुहन ने कोटा सेफ्टी ऑफ स्टूडेंट सॉफ्टवेयर लॉन्च किया। एलन की लैंडमार्क सिटी स्थित समय कैंपस के सद्गुण सभागार में आयोजित कार्यक्रम में शहर पुलिस अधीक्षक ने इस ऐप और पैनिक बटन के बारे में बताया। उन्होंने स्टूडेंट से संवाद करते हुए कहा कि किसी भी स्थिति में आपको असुरक्षित या खतरा महसूस हो तो आपको सिर्फ सेफ्टी ऑफ स्टूडेंट ऐप का पैनिक बटन दबाना है। इसके बाद निकटतम थाना पुलिस मोबाइल ट्रैकिंग के आधार पर स्टूडेंट तक पहुंचेगी और उसको जरूरी मदद देगी। सेशन के बाद स्टूडेंट्स ने भी इस ऐप को बहुत लाभदायक बताया। डॉक्टर अमृता दुहन ने कहा कि स्टूडेंट्स के साथ संवाद के दौरान ही ये बात सामने आई थी और तभी से इस पर कोटा पुलिस ने काम शुरू कर दिया था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कोटा में एलन सत्यार्थ कैंपस में एलन स्टूडेंट्स से संवाद कर उन्हें मोटिवेट किया। इस अवसर पर एलन स्टूडेंट्स ने डॉक्टर मोहन का पुष्पाहार पहनाकर भव्य स्वागत किया। डॉक्टर मोहन ने एलन स्टूडेंट से कहा, जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए क्योंकि हर पल नया जीवन है और नई संभावनाएं लेकर आता है। अपनी राह तय करें और ईमानदारी से मेहनत करते रहें। आप जिस मार्ग पर चलेंगे सफलता आपका इंतजार कर रही है। उन्होंने स्टूडेंट्स को धर्म, अध्यात्म और इसके वैज्ञानिक पहलुओं के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि कोटा शिक्षा की धरती है और स्टूडेंट्स के बीच आकर बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं। ऐसा लग रहा है मेरे पुराने दिन लौट आए हैं। यहाँ ऊर्जा का अनुभव हो रहा है। कार्यक्रम में राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हीरा लाल नागर, विधायक संदीप शर्मा भी मौजूद रहे। समारोह के अंत में एलन निदेशक राजेश माहेश्वरी सर और डॉक्टर नवीन माहेश्वरी ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को रामलला की तस्वीर भेंट कर आभार व्यक्त किया। आज जब मैं इस कोचिंग संस्थान में अपनी बात करने आया हूं, आपसे मिलने आया हूं, तो मुझे इस बात के लिए सबसे पहले कहने का इसीलिए कारण विषय निकाला कि हमारे मन में आता होगा कि हम परीक्षा दे रहे हैं और परीक्षा देने के कारण से हमको पास होकर डॉक्टर ही बनना, इंजीनियर ही बनना है और नहीं बन पाए तो निराशा के दौर में पहुंचते हैं। तो निराश विराश होने की ज़रूरत नहीं। जीवन के जिस भी मार्ग से चलो वहाँ सफलता आपका इंतजार कर रही है, इसमें कोई शंका नहीं है, ये विश्वास हमको रखना चाहिए। एलन अपने स्टूडेंट्स के ओवरऑल डेवलपमेंट पर भरोसा रखता है। हाल ही में एलन इंदौर की ओर से स्टूडेंट्स के लिए 5 दिवसीय एडुफन यात्रा का आयोजन किया गया। इस ग्रीन एस्केप यात्रा में बच्चों को उदयपुर, माउंट आबू और नाथद्वारा की खूबसूरती और गौरवमय इतिहास से रूबरू कराया। एडुफन यात्रा पर एलन टीचर्स, स्टूडेंट्स ने जमकर मस्ती की और इस पल को हमेशा के लिए यादगार बना दिया। PNCF हेड विशाल केजरीवाल सर के साथ इस शानदार यात्रा की शुरुआत सिटी पैलेस से शुरू हुई, जहां स्टूडेंट्स ने राजपूत वास्तुकला का अनुभव किया और सहेलियों की बाड़ी की यात्रा की और फतेह सागर झील में नौकायन का आनंद लिया। इसके साथ ही रात में स्टूडेंट्स ने रिजोर्ट में जमकर DJ पार्टी की और आतिशबाजी का आनंद लिया। वहीं अगले दिन की शुरुआत गुलाब बाग में असंख्य प्रकार के गुलाबों की मनमोहक खुशबू के साथ हुई, जहां स्टूडेंट्स ने टॉय ट्रेन में सवारी की और रोपवे से करणी माता के दर्शन किए। इसके बाद उन्होंने बाहुबली हिल्स का दौरा किया और सूर्यास्त का आनंद लिया। रिजोर्ट पहुंचकर स्टूडेंट्स ने अहमदाबाद से आई गरबा टीम के गरबा डांस का लुत्फ उठाया। वहीं अगली सुबह स्टूडेंट्स ने माउंट आबू की यात्रा की और दिलवाड़ा मंदिर का भ्रमण किया। स्टूडेंट्स ने गुरु शिखर पर चढ़ाई की, स्थानीय बाजार का दौरा किया। वहीं शाम को स्टूडेंट्स ने कैंप फायर और संगीत का आनंद लिया। आपको बता दें, लास्ट डे स्टूडेंट्स ने कुंभलगढ़ किले का इतिहास जाना और पारंपरिक राजस्थानी भोजन का स्वाद चखा। वहीं बच्चे स्टैचू ऑफ बिलीफ गए, जहां उन्होंने लेजर शो का आनंद लिया। इसके साथ ही इस पूरी अविस्मरणीय यात्रा में बच्चों ने कई इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज में हिस्सा लिया और खूब एंजॉय किया। एलन चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला की ओर से गोट एग्जाम 2024 का आयोजन किया गया। एग्जाम में क्लास 8 से 10 तक के स्टूडेंट्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
एग्जाम में कई स्कूलों और शहरों के सैकड़ों ऊर्जावान बच्चे शामिल हुए। ग्रेटेस्ट ओलंपियाड एप्टीट्यूड टेस्ट के लास्ट राउंड में इंटरव्यू के माध्यम से विनर्स का चयन किया गया। सम्मान समारोह में पीएनसीएफ हेड मनप्रीत कौर मैम ने आईआईटी डिवीजन की सीनियर फैकल्टी और पीएनसीएफ फैकल्टी के साथ सभी विजेता स्टूडेंट्स को कैश रिवॉर्ड और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। सभी बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। समारोह में 1200 से अधिक स्टूडेंट्स और पेरेंट्स शामिल हुए। एलन इंदौर की ओर से जेई और प्री मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए करियर गाइडेंस और ओपन सेशन का आयोजन किया गया। सेशन की शुरुआत एलन प्रार्थना और राष्ट्रगान के साथ की। उसके बाद एलन वाइस प्रेसिडेंट और एमपी जोनल हेड डॉक्टर विपिन योगी ने अपने प्रेरणादायी शब्दों से स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया। सेशन में 5000 से अधिक स्टूडेंट शामिल हुए। सेमिनार में टेडेक्स स्पीकर विक्रम अग्निहोत्री सर और प्राची अग्रवाल मैम ने बच्चों को जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। आपको बता दें, इस अवसर पर नीट काउंसलिंग एक्सपर्ट पारिजात मिश्रा सर और जेई काउंसलिंग एक्सपर्ट अमित आहूजा सर का मोमेंटो देकर स्वागत किया गया। सेशन में करियर काउंसलर्स ने स्टूडेंट्स को रैंक वर्सेस कट ऑफ वर्सेस कॉलेज रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टेट कोटा वर्सेस नेशनल कोटा अपकमिंग एग्जाम अलर्ट्स और साथ ही अल्टरनेटिव करियर ऑप्शंस के बारे में विस्तार से समझाया। सेशन में हेल्थ एंड मेंटल वेलनेस एक्सपर्ट डॉक्टर हिमांशु शर्मा ने बच्चों को कई महत्वपूर्ण बातें बताई। उन्होंने स्टूडेंट्स को अपनी तैयारी को मजबूत इरादों से करने और हमेशा आगे रहने के लिए प्रेरित किया। सेशन के अंत में इंदौर सेंटर हेड कमल शर्मा सर ने एचओडी और फैकल्टी टीम मेंबर्स के साथ शानदार प्रदर्शन करने वाले स्टूडेंट्स को सरस्वती सिल्वर मेडल देकर सम्मानित किया और ढेरों शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही आपको बता दें, एलन दुर्गापुर में भी ओपन सेशन का आयोजन किया गया। सेशन में एकेडमिक हेड संदीप रावत सर ने टॉपर्स को सरस्वती सिल्वर मेडल देकर सम्मानित किया और उज्जवल भविष्य की कामना की। सरस्वती सिल्वर मेडल पाकर सभी बच्चे काफी उत्साहित नजर आए। एलन अपने स्टूडेंट्स के सर्वांगीण विकास में भरोसा रखता है। हाल ही में एलन पीएनसीएफ बीकानेर की ओर से स्टूडेंट्स को सिविल एयरपोर्ट बीकानेर का दौरा कराया गया। यहाँ बच्चों ने हवाई अड्डे की सुविधाओं और बुनियादी चीजों को जाना, जिससे उन्हें और भी नॉलेज मिल सके। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने स्टूडेंट्स के लिए सतर्कता जागरूकता नामक क्विज आयोजित किया, जिसमें स्टूडेंट्स ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया। सिविल एयरपोर्ट बीकानेर का भ्रमण करके सभी बच्चे कॉन्फिडेंट नजर आए। फिलहाल एलन संचार में इतना ही। एलन से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एलन संचार। नमस्कार।